सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं में अध्ययन शुरू करेंगे एसटीसीसी। जैसे 11वीं में आपने देखा था एसटीसीसी मतलब वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरी प्रैक्टिस, उसमें दो भाग होते हैं, पहला और दूसरा। दो विभाग में पूरा पाठ्यपुस्तक विभाजित है, जैसे आप जानते हो। पहला विभाग है वाणिज्य पत्र व्यवहार, जिसमें 6 लेसन दिए गए हैं। दूसरा विभाग है सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जिसमें 7 लेसन दिए गए। तो पहले विभाग वाणिज्य पत्र व्यवहार के अंदर हम अध्ययन शुरू करेंगे। पहला जो चैप्टर है इसका नाम है बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार। अब आप सब परिचित हो कि बैंक का महत्व हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या है। पूरा अर्थतंत्र बैंक व्यवस्था के ऊपर आधारित है। पैसों की लेवड़ देवड़, पैसे निकालना, अंदर रखने के लिए जाना, जो सिक्योरिटी हमें बैंक से मिलती है, जैसे आप विधि, तो बैंक में अगर आपको पत्र व्यवहार करना है तो किस प्रकार किया जाएगा, उसका भी रूल्स इस प्रकार। जैसे कई सारे पत्र होते हैं, आम पत्र होता है, पारिवारिक पत्र होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बैंकिंग पत्र व्यवहार ही पढ़ना है, जिसमें आप प्रस्तावना देखेंगे, बैंक के साथ पत्र व्यवहार दो तरीके से। जैसे पहला है बैंक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, और दूसरा है बैंक को लिखे जाने वाले शिकायत। प्रार्थना पत्र मतलब हमें जो भी सेवा बैंक से लेनी है उसके लिए विनती पत्र, प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं कि जैसे कि खाता खुलवाना है, चेकबुक प्राप्त करनी है, नेट बैंकिंग शुरू करना है, SMS अलर्ट शुरू करना है वगैरह। दूसरा है शिकायत पत्र। अगर आपको कोई मुश्किल है, जैसे कि आपने ATM मशीन से ATM पैसे निकाले और पैसे आपके हाथ में नहीं आए और आपके अकाउंट से कट गए, तो इसके लिए आप शिकायत कहाँ करोगे? जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में आपको उसकी फरियाद करनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी। या आपने पासबुक में एंट्री करवाने के लिए गए और जो मंच की आपको एंट्री करवानी थी वो नहीं हुई, उसके आगे की या पीछे की हो गई, उसके लिए शिकायत पत्र बैंक में कर सकते हैं। आपको चेकबुक लेने के लिए गए और चेकबुक प्राप्त नहीं हुई समय से, तो जहाँ से चेकबुक मिलनी चाहिए वहाँ से बाय पोस्ट भेज दी गई है, काफ़ी समय हो गया आपको नहीं मिली है, तो बैंक को शिकायत कर सकते हैं। या बैंक का कोई कर्मचारी आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो भी आप बैंक को शिकायत पत्र लिख सकते हो। और बैंक से संबंधित ऐसे कई सारे पत्र व्यवहार होते हैं, और हम देखेंगे बैंक पत्र व्यवहार के कई सारे उदाहरण कि किस प्रकार बैंक को पत्र लिखा जाता है। तो देखते हैं हम बैंक की व्याख्या, जैसे 11 में आपने देखा है, तो यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 1 पे प्रस्ताव जो बैंक की व्याख्या दी गई है। तो जैसे कि किसी भी देश के व्यापार वाणिज्य विषय पाते आर्थिक व्यवहार एवं वित्तीय व्यवस्था का अविभाज्य अंग है। पूरा देश या पूरा विश्व कहा जाए आर्थिक स्थिति के ऊपर आधारित होता है, और बैंक वाणिज्य व्यापार या वित्तीय व्यापार का एक अविभाज्य अंग है, जिसके बिना पैसों का लेवड़ देवड़ या सुरक्षित रखना असंभव। बैंक के अंदर कई सारे मामूली व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, नेता हो या अभिनेता हो, सभी व्यक्ति को बैंक की आवश्यकता पड़ती है, और बैंक में रखे गए पैसे हमारे लिए सुरक्षित भी माने जाते हैं, और जब भी हमें बैंक से पैसे चाहिए होते हैं तब आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं। बैंक कई सारे प्रकार, जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक,
निजी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, औद्योगिक बैंक और कृषि बैंक आदि कई सारे बैंक अलग अलग है जिसका नेतृत्व या व्यवस्थापन अलग अलग माध्यमों से किया जाता है। आज आप सब जानते हो ई बैंकिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। घर बैठकर मोबाइल के माध्यम से या अपने प्राइवेट पीसी के माध्यम से भी आप बैंक का संचालन घर बैठे ही कर सकते हैं। बैंक के अंदर बहुत सारी सेवाएं प्राप्त की जाती है जैसे कि बचत और चालू धारक खाता, दो प्रकार के अकाउंट में खाता खोल सकते हैं, बचत खाता और चालू खाता। उसमें सेवाओं के अंदर बैंक के साथ पत्र व्यवहार करोगे तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए और आप जो बात या जो काम रखना चाहते हो या करवाना चाहते हो वह सरल और सीधे शब्दों में लिखना जरूरी होता है। बैंक के साथ पत्र व्यवहार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है पत्र के अंदर दिनांक डालना। आपने जैसे आप चेक बुक देखी होगी, आप लोगों ने चेक बुक के ऊपर के भाग में दाहिने भाग के ऊपर पोस्टर दिया होता है जिसके अंदर डेट, मंथ और ईयर लिखा होता है, तो बैंक में एक तारीख, दिनांक, ईयर होते हैं जिसके आधार पर पूरी व्यवस्था निर्भर रहती है। आप सब जानते हो चेक की वैलिडिटी 90 डेज होती है, उसके बाद अगर आपका चेक किसी को दिया भी है, साइन किया हुआ और डेट डाला हुआ तो वैलिड रहता नहीं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम देखें। बैंक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बैंक को लिखे जाने वाले विनंती पत्र जिसमें पहला है खाता खोलने के संबंधित पत्र। खास ये हर एक बैंक का अपना एक खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र होता है, जो आवेदन पत्र हमको भरना होता है वह भरकर हम बैंक में फिलअप करते हैं। उसमें जो भी आगे देखेंगे हम कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, बैंक के फॉर्म के अंदर कौन कौन सी फॉलो करनी होती है और आगे देखेंगे शैक्षणिक लोन प्राप्त करनी है तो उसके संबंधित पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। उच्च अभ्यास के लिए आम परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो इतने अगर अपने पास पैसे नहीं है तो बैंक कम ब्याज के दर के ऊपर शैक्षणिक या एजुकेशन लोन भी देते हैं तो उसके लिए भी पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उसके लिए आपको पत्र लिखना पड़ता है। चेक की राशि के भुगतान में स्थगित करने के लिए अगर आपने चेक घर से लेकर निकले और रास्ते में कहीं गिर गया तो वह चेक अपना नीचे सिग्नेचर भी किया हुआ है, डेट भी डाली होती है, अमाउंट भी भरा हुआ है, अब ये चेक दोनों गया तो क्या करें, तो बैंक में जाकर आप स्वयं से चेक नंबर मेरा गुम हो गया है उसके लिए पत्र मेरा करना पड़ेगा, आपको पत्र लिखना पड़ेगा बैंक को कि मेरा ये चेक गुम हो गया है, इतना अमाउंट मैंने लिखा हुआ था, अगर एक कोई व्यक्ति या कोई यहाँ पर अदा करने के लिए आए तो आप उसको मान लीजिएगा। तो चेक को कैंसिल या स्थगित करने के लिए पत्र व्यवहार साथ प्राप्त करने के लिए आपको जितना आपके अकाउंट में पड़ा है उनसे ज़्यादा अगर आपको पैसे चाहिए तो भी आपको बैंक उसके नियमों के अधीन देते हैं, उसके लिए पत्र व्यवहार कैसे करना पड़ता है। खाता बंद करना है, आपका मान लीजिए कहीं नौकरी कर रहे हो, ट्रांसफर हुआ है, बिजनेस के लिए आपको जगह बदलनी है तो आपका पर्टिकुलर एक खाता जो बैंक में चल रहा है इस ब्रांच में उसी ब्रांच में बंद करवाने के लिए भी आपको उसे खाता खुलवाने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। उसी प्रकार बैंक में खाता बंद करवाने के लिए भी आपको पत्र लिखना पड़ता है। पत्र कैसे लिखेंगे आगे उदाहरण के माध्यम से देखें। डेबिट खाता खुलवाने के संबंधित पत्र व्यवहार, डेबिट खाता खोलने के लिए बैंक के अंदर किस प्रकार पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगता है। बैंक में नौकर प्राप्त करने के लिए लोकर की सुविधा हर एक बैंक के पास लगभग उपस्थित होता है, ये लोकर बॉक्स जिसमें आप अपनी प्राइवेट या अंदर या बहुत कीमती वस्तु या दस्तावेज रख सकते हैं जिसकी चाबी आपके सामने सील बांधकर लॉक लगाकर दी जाती है, इसकी संपूर्ण जवाबदारी बैंक की रहती है। तो ये अगर आपको लोकर प्राप्त करना है
एटीएम कार्ड है आदि कई सारी सुविधा बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करने के लिए भी आपको पत्र व्यवहार करना पड़ता है। और किस किस प्रकार और किसको कौन सा पत्र लिखना है वह हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, वो खो जाए तो उसके लिए हम क्या, मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड है, आज तो सभी के पास मतलब एटीएम कार्ड होता ही है, तो एटीएम कार्ड अगर आपका गुम हो गया है, आपने ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको पता चला कि मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया है, तो तुरंत उसी बैंक का हेल्पलाइन नंबर होता है, उसी हेल्पलाइन नंबर पर आपको इन्फॉर्म करना है एटीएम कार्ड के पीछे के बाद में या कहीं भी आगे के बाद में भी एटीएम कार्ड के नंबर दिए होते हैं, वह नंबर आप अपन करके सामने वालों को दिखाओगे बैंक के माध्यम से, तो आपका एटीएम कार्ड उस समय स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप बैंक में जाकर पत्र व्यवहार हार्ड कॉपी के माध्यम से इधर कर सकते। अब है बैंक को लिखे जाने वाले शिकायत, जो हमने देखे थे बैंक के प्रार्थना पत्र, जो भी प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं वह पत्र है। अब है हमारे पास शिकायत पत्र। जब जब हमारे काम में कोई आपत्ति या मुश्किल खड़ी होती है तब हमें शिकायत करना जरूरी है। वैसे तो शिकायत पत्र को एक बैंक किन क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो थोड़ा अयोग्य माना जाता है, लेकिन हमारे पास अगर कोई रास्ता ही नहीं बचता तो हमें शिकायत पत्र लिखना जरूरी या आवश्यक होता है। शिकायत पत्र किस प्रकार या किस किसको या किस किस माध्यम से लिखा जाता है देखते हैं। बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने पर शिकायत दर्ज करना होता है। जब आपने चेक दिया है वो मान्य है, आपके अकाउंट में बैलेंस भी पड़ा है, उसके बावजूद भी बैंक के अंदर कर्मचारी कहे कि आपका चेक अनवैलिड है, वैलिड नहीं है, तो उसका कारण जानने के लिए शिकायत पत्र लिख सकते हैं कि हमारा स्वयं शुल्क बैंक का स्वयं शुल्क नंबर का चेक हमने इस डेट को बैंक को दिया था, बल्कि उसमें पर्याप्त राशि भी थी, फिर भी हमारा चेक अनवैलिड क्यों हुआ, उसका योग्य कारण बताने के लिए विनती। बैंक स्टेटमेंट में कोई भूल हो, जैसे आगे बात की हमने बैंक स्टेटमेंट पासबुक बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी हम बैंक को शिकायत कर सकते। कर्मचारी द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार, अगर कोई कर्मचारी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, बैंक कर्मचारी आपको जानबूझकर परेशान करता है, तो उसके लिए भी बैंक के संबंधित कर्मचारी की समस्या को लेकर फरियाद आप बैंक के उच्च अधिकारी को भी कर सकते। बैंक पत्र व्यवहार के उदाहरण के पत्र कई सारे से उदाहरण हम देखेंगे कि बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार किस प्रकार किया जाए। सामान्य रूप से बैंक में खाता खुलवाने के लिए हर एक बैंक के पास अपना अपना फॉर्म्स होते हैं, अलग से पत्र लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, वह फॉर्म से उसी बैंक का फॉर्म जैसे कि SBI बैंक है या देना बैंक है, एक्सिस बैंक है, हर एक बैंक का अपना अपना फॉर्म होता है, वही फॉर्म मतलब एक पत्र है, पत्र का अलग ढांचा है, वह पत्र वहाँ से लेकर के बैंक से संबंधित कर्मचारी से लेकर के वह हमें वहाँ फिलअप करना है, भरना है और देखना है। उसके अंदर पेज नंबर 2 पर पूरा फॉर्म दिया गया है जो इस प्रकार भरा जाता है। जैसे आप बैंक में जाओगे हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग फॉर्म्स होता है, उसी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, नॉमिनेटेड का फॉर्म से अगर आपको कौन कौन सी सुविधा चाहिए वह हमें पूरा खाता खुलवा लेके हेतु बैंक का फॉर्म, तो इस प्रकार के फॉर्म में क्या क्या होती है हमारे सामान्य माहिती होती है, जैसे कि व्यक्ति का नाम, आधार या स्मरण का नाम, फिर सरनेम, तो जो हमारे पास आधार कार्ड है, पान कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो नाम लिखा है वही नाम लिख करके हमें फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर पूरा फॉर्म आपको कैपिटल अक्षर में भरना होता है। लगभग सभी बैंकों में आजकल इंग्लिश में फॉर्म आते हैं, बल्कि हिंदी में भी फॉर्म होने चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, डे, मंथ और ईयर ब्रैकेट में दिए होते हैं, उस प्रकार से आपको अपना जन्मदिन
कौन से महीने में वो मंथ और ईयर। एग्जांपल है आपका 2 फरवरी, जब 2 फरवरी 2002 में जन्म हुआ है तो आपको उस प्रकार से अंदर मिलक करना है। जो आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी या ऐसी किसी न किसी में वो डेट देखी हुई होनी चाहिए। फिर है आपके कौन कौन सी सुविधा आपको प्राप्त करनी, जैसे ATM लेना है तो उसमें क्लिक करना होगा, फिर डेबिट कार्ड हो दूसरा क्रेडिट कार्ड हो या जो भी कार्ड आपको लेना है, फिर SMS अलर्ट, हम अकाउंट या बैंक ATM से पैसे निकालते तो उसका हमारे मोबाइल में SMS आता है कि आपने इतने पैसे उठाए या इतने पैसे जमा किए, उसको बोलते हैं SMS अलर्ट। टेक्स्ट मैसेज हमारे मोबाइल में आना चाहिए। अगर वो सुविधा प्राप्त करनी है तो उसका सालाना या 6 महीने का चार्ज लगता होगा, अलग बैंक अलग अलग नियम होंगे, उस हिसाब से वो भी आपके अकाउंट में से ही कटेगा। उसके साथ आपको चेकबुक चाहिए, चेकबुक कितने चेकबुक की चाहिए, 25, 50 इस प्रकार की चेकबुक चाहिए, वो भी आपको सुविधा अंदर मिलती है। तो जैसे जैसे आप लिंक करते जाओगे वैसे वैसे फॉर्म के अंदर से आपको पूरी, फिर आपका एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, सरनामा हमारा पता वो भी लिखना होता है, उसका प्रूफ भी हमें दिखाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। उसके साथ आपकी फ़ोटो है, आपका पासपोर्ट साइज का करंट फोटो वो भी जोड़ना है, आपका नॉमिनेशन आपके साथ आपका किसका नाम एड करना है, ऐसी कुछ घटना घटती है तो आपके बाद इसके साथ लिंक करे उसका एड्रेस, उसका फोटो, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डिटेल्स सब हमें फिलअप करनी होती है। उसके बाद आपको कहाँ कहाँ किस किस सुविधा की उपलब्धि चाहिए ये भी नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना अकाउंट घर बैठकर मोबाइल के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ड्राफ्ट जो भी आपको सुविधा चाहिए वो सब सुविधा फॉर्म के अंदर फिलअप करोगे तो ही आपको उपलब्ध मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पर ये आज का जो विभाग है वो पूर्ण करते हैं। बैंकिंग का पहला जो फॉर्म है, बैंक का फॉर्म या बैंकिंग पत्र व्यवहार के अंदर से हम यहाँ पर ये पूर्ण करते हैं। आगे अलग अलग उदाहरण है वो हम आगे के वीडियो में देखें। ओके, धन्यवाद।